परासिया से नेहरिया तक की सड़क की स्थिति बदहाल हो गई है। कोयले की खदानों की वजह से लगातार यहां भारी वाहन चलते रहते हैं, जिसके कारण ये सड़क पूरी तरह उखड़ गई है। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने सांकेतिक धरना देकर सड़क निर्माण की मांग की है। परासिया में कोयला खदाने हैं और WCL द्वारा यहां पर सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन सड़क की स्थिति अब बेहद खराब हो चुकी है। सड़क जगह जगह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कोयला लेकर ओवरलोड ट्रक दिन रात सड़कों से गुजरते हैं, जिसके कारण आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। हादसों में कई बार लोगों की जाने तक चली गई है। फिर भी WCL के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा। बताया जा रहा है कि कोयलांचल की कोयला खदानों का कोयला ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया जाता है। आवागमन के लिए WCL द्वारा परासिया से नेहरिया तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी, लेकिन टेंडर के बावजूद ठेकेदार और अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जिसको लेकर इंटक यूनियन अध्यक्ष सोहन वाल्मीकि ने साथियों के साथ सांकेतिक प्रदर्शन किया और सड़क निर्माण की मांग की। इंटक पंच कनान की ओर से परासिया से नेहरिया रोड बनाने के निर्माण के लिए हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक रूप से अनशन कर रहे हैं। सभी साथी उपस्थित हैं। जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि रोड बने, क्योंकि रोड की जो स्थिति है उससे आवागमन में पूरे मजदूरों को और लगभग मेरे विधानसभा के 63 गांव ऐसे हैं जहां पर लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं और हज़ारों की संख्या में आते हैं, पर उनको आने जाने में बहुत सारी कठिनाई सामना करना पड़ता है। जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तब हमने उसकी कार्रवाई करी थी, परंतु WCL ने NOC नहीं देने के कारण ये रोड का निर्माण नहीं हो सका। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।